ग्यारहवां ये सेशन है, लगभग 300 से ज्यादा साहित्यकार यहाँ पर पहुंचेंगे, 35 देशों के ख्यातनाम साहित्यकार यहाँ पर पहुंचेंगे। और जयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत आज से हो रही है। 5 दिन का ये पूरा फेस्टिवल जिसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। आज पहला दिन है इसका। सुबह 10 बजे फ्रंट लॉन से ये पूरा जो आयोजन है वो शुरू होगा। अलग अलग सेशंस होंगे, कई सेशंस आपको बता दें कि रखे गए हैं। 5 दिन ये पूरा आयोजन चलेगा, लगभग 181 सेशंस होंगे। सीधी तस्वीरें आप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की देख पा रहे हैं, आगाज इसका हो चुका है। सहयोगी निकिता वहां पर मौजूद है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, आज के पूरे दिन के शेड्यूल की हम बात करें तो किस तरह का शेड्यूल रहेगा, क्योंकि देश भर और एक तरीके से हम कहें कि दुनिया भर इस फेस्टिवल का इंतजार करती है। बिल्कुल JLF की आज जो है आगाज हो गया है, साहित्यकारों का जो कुंभ है वो शुरुआत हो चुकी है।
सब लोग यहाँ पे देश भर से लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आप देख सकते हैं पीछे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद 10 बजे जो है उद्घाटन समारोह होगा, उसके बाद से सेशंस जो है पूरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। 9 बजे उद्घाटन होने के बाद जो आज जो खास तौर पर जो है मुख्य तौर पर जाकिर हुसैन जी का जो सेशन है अ लाइफ इन म्यूजिक वो बहुत खास रहने वाला है, जिसको लोगों को बेसब्री से उनका इंतजार है। साथ ही रानी पद्मिनी पे बुक लॉन्च है, आज कुल मिलाकर 5 बुक लॉन्च किए जाएंगे जिसके अंदर रानी पद्मिनी बहुत ही खास है, वो शाम को 5 बजे होगा और उसके बाद जो है रात के समय क्लाक समेर के अंदर वहां पे म्यूजिकल प्रस्तुति होगी जो कि कैलाश खेर देंगे। और अभी से ही आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ जमा हो रही है, भीड़ यहाँ पे आ रही है, लोग जेएलएफ के अंदर काफी एक्साइटेड है। काफी देखा जाए तो यूथ जो है खासतौर पर वो यहाँ पर ज्यादा तादाद में जो है मौजूद है और साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो पाए। इसी तरह पूरे जेएलएफ का जो है एक तरह से ये आगाज किया गया है, आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कार जो है उन पे पेंटिंग करी गई है और एक बहुत ही सुंदर तरीके का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। कार्टिस्ट एग्जीबिशन जो यहाँ पे है, वॉल पेंटिंग्स लगाई गई है, पर्यावरण सुरक्षा की जो है बात करें वहां पे लोगों को यहाँ पे उनको जागरूक करने के लिए वॉल पेंटिंग्स करी गई है, प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए और बिल्कुल निकिता काफी कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रसून जोशी और जावेद अख्तर को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिस तरीके से विरोध हो रहा था और साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी, उनके आने को लेकर कोई अपडेट है? शुरुआत हो रही है डाई फ्रेम्स के साथ यहाँ लगाया गया है और सुंदर तरीके से और यहाँ पे नीले दरवाजे से अंदर घुसते हुए सीधा एम्ब्रॉयडर्ड फ्रेम्स के थ्रू जो है जेएलएफ की शुरुआत कर रहे हैं। निकिता अब तक आवाज पहुंच पा रही है? आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी पड़ी है। चलिए तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक अंदर जो मॉर्निंग सेशन शुरू हो चुका है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि 10 बजे एक और लॉन्चिंग इवेंट होगा और उससे पहले मॉर्निंग रागा के साथ इसकी शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है और उसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मॉर्निंग सेशन की तस्वीरें आप लगातार देख पाएंगे, वो म्यूजिक भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल निकिता एक बार हमारे साथ फिर जुड़ चुकी हैं, उनसे थोड़ी और अपडेट लेते हैं। निकिता आज दिन भर सेशंस की हम बात करें तो कितने सेशन होंगे ये आपसे जानना चाहेंगे, प्लस खासतौर पर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और 11वां ये संस्करण है। चलिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जी रीजनल चैनल के सीईओ जगदीश चंद्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। जेएलएफ जिसका हर साल लगभग पूरी दुनिया इंतजार करती है, साहित्य का ये महाकुंभ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान अब बना चुका है उसका इंतजार पूरी दुनिया का रहता है, पूरी दुनिया को रहता है और जयपुर के लोग खास तौर पर और राजस्थानी के लोगों के साथ ही हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान खास तौर पर इस फेस्टिवल का साल भर इंतजार करता है, वो इंतजार आज खत्म हुआ है। आज से ये 5 दिन का पूरा फेस्टिवल शुरू हुआ है और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार का ये पूरा फेस्टिवल। जिस तरीके से सहयोगी निकिता थोड़ी देर पहले बता रही थी, आज लगभग 5 बुक्स यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। जी रीजनल चैनल्स के सीईओ जगदीश चंद्र वहां पर पहुंचे हुए हैं, मीता पंडित के म्यूजिक के साथ शुरुआत हो चुकी है इस पूरे कार्यक्रम की। 10 बजे एक और सेशन होगा, उसमें और आकर्षण के केंद्र होंगे। कुल मिलाकर यदि हम 5 दिन की बात करें तो काफी कुछ आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। आज
क्या क्या चीजें खास होंगी और कितने सेशंस होंगे। सहयोगी निकिता हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं। निकिता, आज की हम बात करें तो कौन कौन से सेशन खास रहने वाले हैं और टोटल कितने सेशन होने वाले हैं? चलिए निकिता से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे और इसी बीच निकिता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, आज के सेशंस की हम बात करें तो कौन कौन से सेशन होने वाले हैं, टोटल कितने सेशन होंगे और उनमें से सबसे ज्यादा खास क्या रहने वाला है? बिल्कुल चित्रा, आज 7 सेशन होने वाले हैं और 5 बुक लॉन्च है। फ्रंट लॉन, दरबार, बैठक और जो संवाद, ये 4 जगह है जहां पर आज सारे सेशंस होंगे। और जिनमें से जो खास है वो है जाकिर हुसैन जी का सेशन, जो कि दोपहर में 2 बजे आसपास जो है ये शुरू होगा। अ लाइफ इन म्यूजिक, ये पूरा चर्चे का विषय रहेगा जिसपे जाकिर हुसैन जी है चर्चा करेंगे, ये बहुत खास रहेगा। साथ ही जो है उसके बाद रानी पद्मिनी पर बुक लॉन्च होगा जो कि शाम को 5 बजे होगा, वो भी बहुत खास है और लोगों को इसमें बहुत उत्साह भी है क्योंकि आज के दिन ही फिल्म पद्मावत भी जो है रिलीज हो रही है, तो लोगों को बहुत काफी उत्साह है कि रानी पद्मिनी जो बुक लॉन्च है इसके लिए यहाँ पर लोगों की सुबह से ही क्वेरीज आ रही है, लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। और जो शाम को क्लार्क समेर जेलन मार्क्स जो क्लास समेर है वहां पर म्यूजिकल प्रस्तुति होगी, बाड़मेर बॉयज और साथ ही मशहूर सिंगर कैलाश खेर जो है वो वहां पे प्रस्तुति देंगे, उन सबकी जो है लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो कुल मिलाकर आज 7 सेशन और 5 बुक लॉन्ग कुछ होने वाले हैं जिनमें से ये जो है बहुत ही मुख्य आकर्षण लोगों को रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करी जाए सुरक्षा की, तो मेरे साथ यहाँ आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जेएलएफ में किस तरह की सुरक्षा इस बार करी गई है। आशुतोष बताइए। देखिए निकिता, साहित्य का सबसे बड़ा महाकुंभ है, पूरे देश की निगाहें इस वक्त यहाँ पे रहती हैं और 3 बड़े चुनौतियां हैं राजस्थान पुलिस के ऊपर। लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें, आज का दिन फिल्म पद्मावत भी आज ही रिलीज हो रही है,
दूसरी तीसरी बड़ी बात है, कल गणतंत्र दिवस रहेगा, तो बड़ी चुनौतियां थी लेकिन बहुत बड़े स्तर पे और त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र जयपुर पुलिस की तरफ से तैयार किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बात की जाए तो 400 जवान कमिश्नरेट के यहाँ पे तैनात रहेंगे, उसके अलावा तकरीबन 200 से 300 आरएसी की जो दो कंपनियां हैं उनको तैनात कर दिया गया है। डीसीपी हेडक्वार्टर खुद यहाँ पे सुरक्षा का मोर्चा संभाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कैमरे की नजर से तो यहाँ पे खुद एडिशनल एसपी हैं, इस तरह की जो तमाम अधिकारी हैं वो पीछे नजर आएंगे। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यातायात एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहता है। जहाँ पे ये वेन्यू है डिग्गी पैलेस, सबसे ज्यादा बात यही रहती थी कि किसी भी स्तर पे यातायात बाधित ना हो, आम आदमियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। बड़ी पार्किंग की व्यवस्था इस बार कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। डीसीपी ट्रैफिक लवली कटिया हर पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार अपडेट पे रह रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये आज से शुरू होकर 29 तक जो साहित्य की बयार यहाँ पे बहने वाली है उसमें किसी भी स्तर पर आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी और साहित्य से जुड़े हुए लोग, साहित्य से प्रेम करने वाले लोग इस साहित्य का फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जी निकिता जी, देखा जैसे कि आपने सुरक्षा के भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और जिस तरह से हम बिल्कुल निकिता और वो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं, भीड़ पहली बात तो अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बेहद खूबसूरत एक तो डेकोरेशन हुआ, उसके बाद से 11वां ये सेशन होने वाला है, 11वां संस्करण होने वाला है। हर संस्करण अपने आप में पहले वाले से कुछ ना कुछ खास और बेहतर होता है और वो तस्वीरें ये बयां कर रही है निकिता। लेकिन एक चीज की यहाँ पर बात, और शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि इस पूरे जेएलएफ में इस बार यदि हम बात करें तो लगभग 35 देशों के लोग शामिल हो रहे हैं, 35 देशों से यहाँ पर साहित्यकार जुटेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल 35 देशों से यहाँ पर जो है कलाकार आ रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो 400 कलाकार जो है इस बार यहाँ पर मौजूद रहेंगे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2018 में। और पिछली बार भी अगर हम देखें तो ओवर 61% जो कहा जाए यूथ था जेएलएफ के अंदर, ऐसा कोई भी फेस्टिवल देश भर में नहीं है जहाँ पर इतना ज्यादा यूथ एक साथ इकट्ठा होता है। और इस बार भी यही कोशिश है जेएलएफ की कि इतने ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे, और स्पेशली यूथ के लिए सबसे ज्यादा ये खास फेस्टिवल रहता है। देश में ऐसा कोई और फेस्टिवल नहीं है जहां पर इतने 5 दिन का ऐसा फेस्टिवल हो और वहां पे इतना जो यूथ है वो एकत्रित होते हैं। तो इस बार 35 देशों से जरूर ये कलाकार आ रहे हैं और 400 कलाकार जो है कुल मिलाकर वो यहां पर जेएलएफ में पहुंचेंगे। और पूरी तैयारी की गई है और कुछ ही देर में जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है, उद्घाटन समारोह होने वाला है, उसके बाद एक के बाद एक सेशन स्टार्ट होगा और 5 दिन तक ये लगातार पूरा ये साहित्यकार का कुंभ है वो यहाँ पर लगा रहेगा। चलिए निकिता आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तस्वीरें वाकई दिलचस्प हैं और ये दिलचस्प तस्वीरें दर्शकों को हम घर बैठे दिखाते रहेंगे और बेहतर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं साहित्य के महाकुंभ में जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। और सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखाते हैं जिसकी शुरुआत काफी म्यूजिकल हुई है, बेहतरीन शुरुआत, और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।